नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। देश में कोरोना के मामलों में लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई है। हालांकि ये गिरावट मामूली है, लेकिन राहत पहुंचाने वाली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,533 मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुवार की तुलना की जाए तो नए मामलों में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार पहुँच गया है। देश में वर्तमान समय में 53,852 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। डराने वाली बात और चिंता वाली बात यह है कि कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछली 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना से दम तोड़ने वाले की संख्या 44 बताई जा रही है। जब से ये कोरोना महामारी आई है, तब से देश में अब तक 4.49 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं सक्रिय मामले अब कुल संक्रमणों का 0.12% है। देश में बीते दिन कोरोना की वजह से 44 लोगों की मौत जो हुई है, इनमें से 16 पुराने नए मामले हैं जिन्हें केरल ने बीते दिन अपडेट कराया है। इसी के साथ देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,668 हो गई है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को बीते 24 घंटों में 9,335 नए मामले सामने आए थे, जबकि ये आंकड़ा बुधवार को 9,629 था। गुरुवार को 26 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना से रिकवरी दर 98.69% दर्ज की गई है, जबकि मृत्यु दर 1.18% पर बनी हुई है। कोविड 19 टीकाकरण अभियान की बात करें तो अब तक इसके तहत देश में कुल 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। इसी बीच एक और राहत की बात है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत ने भी कोरोना टीके के अपडेट वर्जन तैयार कर लिया है। ये पूरी तरह से ओमिक्रॉन और उसके नए वेरिएंट को लेकर बनाया गया है, जिसके एक खुराक लेने से पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। यह कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों के लिए रहेगी। दो खुराक का टीकाकरण पूरा होने के बाद 4 माह के बाद इस अपडेट वैक्सीन की एहतियाती खुराक को ली जा सकती है। खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thegbd.com को लॉगिन कर सकते हैं। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।